हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हम ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में इंट्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, तो एक दो इंट्रैक्शन बचा था, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रीडेशन, प्रीडेशन में आप देखिएगा जरा, प्रीडेशन में सिंबल होता है प्लस और माइनस। फायदा होता है प्रीडेटर का, नुकसान होता है प्रे का। प्रीडेटर्स आर इन्वॉल्वड इन, प्रीडेटर का काम क्या है, प्रीडेटर ने प्रे को खाया तो प्रे का एनर्जी कहाँ चला गया, प्रीडेटर में चला गया ना। तो प्रीडेटर्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जाहिर सी बात है प्रे का एनर्जी प्रीडेटर में चला जाएगा ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दूसरा, क्रीपिंग कीपिंग प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, प्रीडेटर प्रे को औकात में लाता है, उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग प्रे पॉपुलेशन, प्रे पॉपुलेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला, जो प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल करता है बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग देम। तो जैसे देखा गया अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट में देखा गया एक्सपेरिमेंट करके, कि वहाँ पे स्टारफिश पिजास्टर, PISASTER, एक प्रीडेटर है, प्रीडेटर इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। तो किसी पर्टिकुलर इंटरटाइडल एरिया से जितने भी स्टारफिश थे पिजास्टर से, सबको हटा दिया गया। तो उनके हटाने से मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो कहीं ना कहीं प्रीडेटर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। प्रीडेटर जो होता है, ये कहीं ना कहीं डायवर्सिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो यही जो प्रे स्पीसीज है, उसमें इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन को रिड्यूस करके। प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट ऑफ नेचर, प्रीडेटर को प्रूडेंट बोला जाता है। प्रूडेंट मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट हो। प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर बिकॉज प्रीडेटर्स डू नॉट एलिमिनेट देयर प्रे पॉपुलेशन बाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जो प्रीडेटर होता है ना, एक खास बात बता दें आपको, प्रीडेटर कभी भी अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉयट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है अगर हम ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे तो हमारा जो प्रे है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो प्रीडेटर खाएगा क्या, आगे चल के वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो प्रीडेटर जो रहता है कभी अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉयट नहीं करता, आराम आराम से खाता है। ये नहीं कि एक ही दिन में सारे प्रीडेटर सारे प्रे को खा जाएंगे ना, आराम आराम से खाएगा। बहुत ज़्यादा अपना एफिशिएंसी नहीं बढ़ाता है प्रीडेटर, अपना एफिशिएंसी कम किए रहता है ताकि अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉयट ना करे, ताकि प्रे भी सर्वाइव करे और प्रीडेटर भी करे ना। नहीं तो एक ही दिन में सारा प्रे खा लेगा प्रीडेटर, तो फिर अगले दिन वो खुद ही मर जाएगा ना। तो वो इसलिए बोलते हैं प्रूडेंट, दिमाग लगाता है, बहुत समझदार होता है। एग्जोटिक स्पीसीज बूम्स एंड फ्लरिस इन द एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर। ओवर ग्रोथ ऑफ प्रिकली पियर कैक्टस इन ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल्ड बाई इंट्रोड्यूसिंग कॉकिनियल इंसेक्ट। कॉकिनियल इंसेक्ट होता है कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। एक्चुअल में हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस का ओवर ग्रोथ हो गया, तो हर जगह वही ग्रो करने लगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई नेचुरल प्रीडेटर वहाँ पर था ही नहीं, तो फिर बाहर से कोकिनियल इंसेक्ट मंगाया गया, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, और वो ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कराया गया। उसने क्या किया, कैक्टस को प्रीडेट करके खा खा के उसको कंट्रोल किया ना। तो प्रीडेटर का होना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन प्रे स्पीसीज हैव डेवलप्ड या इवॉल्व्ड वेरियस एडाप्टेशंस लाइक कैमोफ्लेज एंड मिमिक्री। एक्चुअल में क्या हुआ कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो प्रे है ना, प्रे एक बार बताओ, प्रीडेटर को प्रे को खाना है तो प्रे ऐसे बोलेगा आओ हमको खा लो क्या, वो भी तो बचना चाहेगा ना। तो वही हमने लिखा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन प्रे पॉपुलेशन हैव इवॉल्व वेरियस एडाप्टेशंस। एडाप्टेशन का मतलब बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया, जैसे कैमोफ्लेज है, मिमिक्री है, अपने मतलब प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए, प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए प्रे ने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लिए, जैसे कैमोफ्लेज और मिमिक्री। कैमोफ्लेज क्या है? कैमोफ्लेज होता है क्रिप्टिक कलरेशन, या इसे ही बोलते हैं ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में जो कलर है वही कलर अपना भी बना लेगा प्रे पॉपुलेशन। तो ऐसे क्या होगा, प्रीडेटर उसको ढूंढ नहीं पाएगा। अब जैसे ये ग्रीन कलर का बोर्ड है, इस पे मान लीजिए ग्रीन कलर का कोई ऑर्गेनिज्म बैठा दें, हम रख दें, तो जो प्रीडेटर होगा उसको ढूंढ नहीं पाएगा। यही होता है कैमोफ्लेज, ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग। जैसे बहुत सारे इंसेक्ट है, फ्रॉग्स है, इन सब में मिलता है।
एक ऑर्गेंजम होता है प्रेइंग मैंटिस, वो क्या करता है लीफ कलर के मतलब ग्रीन कलर के लीफ और ट्विग्स से अपना उससे अपना और लीफ से अपना कलर मैच करा लेता है, जिससे उसका प्रीडिटर उसको ढूंढ नहीं पाता है। तो ये होता है कैमोफ्लेज, ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग। और मिमिक्री में क्या है, टू कॉपी वन ऑर्गेंजम बाई अदर, एक ऑर्गेंजम दूसरे ऑर्गेंजम का कॉपी करता है, नकल करता है ना। तो मिमेटिक होता है जो नकल करता है, जिसका नकल होता है वो होता है मॉडल। तो एग्जाम्पल है मोनार्च बटरफ्लाई बींग कॉपीड बाई वायसराय बटरफ्लाई। एक्चुअल में है क्या ना, बटरफ्लाई दो टाइप के हैं, एक वायसराय बटरफ्लाई है, दूसरा है मोनार्च बटरफ्लाई। तो जो वायसराय बटरफ्लाई होता है ये पैलेटेबल होता है और टेस्टी होता है, मतलब ये प्रिडेटर के लिए खाने लायक है। पैलेटेबल मतलब खाने लायक है और टेस्टी होता है। लेकिन जो मोनार्च बटरफ्लाई है ये अनपैलेटेबल है, नॉन टेस्टी होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कैटरपिलर होता है, लार्वा होता है, वो कैटरपिलर लार्वल स्टेज में क्या करता है ना, ये जो पॉइजनस वीड होता है जिसको आप बोलते हो कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस आपने देखा होगा ना, कैलोट्रॉपिस का लीफ वगैरह तोड़ तो उसमें दूध की तरह कुछ निकलता है चिपचिपा सा, वो पॉइजनस ग्लाइकोसाइड होता है, पॉइजनस ग्लाइकोसाइड है। तो ये जो मोनार्च बटरफ्लाई है, इसका जो कैटरपिलर है लार्वल स्टेज में, वही जो मिल्क वीड प्लांट है कैलोट्रॉपिस है, उसके पॉइजनस ग्लाइकोसाइड को कंज्यूम करके अपने अंदर स्टोर किया रहता है। और जो वही लार्वा बड़ा हो जाता है, मोनार्च बटरफ्लाई बढ़ जाता है, तो जाहिर सी बात है वो अनपैलेटेबल होगा, क्योंकि जो पॉइजनस ग्लाइकोसाइड है ना वो प्रीडेटर को किल कर देता है। तो मोनार्च बटरफ्लाई का कॉपी करता है वायसराय बटरफ्लाई, तो वायसराय बटरफ्लाई का जब प्रीडेटर उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो कॉपी करने लगता है मोनार्च का, तो प्रीडेटर समझता है कि ये वायसराय नहीं है, मोनार्च है, तो कॉपी करने से देखो बच गया ना, प्रीडेटर से बचने का एक तरीका था ये भी। और इसके अलावा आप देखिए ना, प्लांट के अंदर भी बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हुए, प्लांट को भी जीने का हक है भाई, प्रीडेटर से बचने का हक प्लांट को भी है। तो प्लांट ने भी अपने अंदर बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किए, मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, बायोकेमिकल, बायोकेमिकल में बहुत सारे केमिकल्स अपने अंदर स्टोर कर लिए, स्ट्रिकनिन है, क्यूनिन है, ओपियम है, निकोटीन है, ये सारे केमिकल्स हैं अपने अंदर बना लिए, स्टोर कर लिए प्लांट ने, जिससे जिससे कोई प्रीडेटर उसको खाए ना। और इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस है, जैसे स्पाइन है, थॉर्न है, तो ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है प्रीडेटर से बचने का। तो प्रिडेशन के बाद हम बात करते हैं पैरासिटिज्म के बारे में, ठीक है। जो पैरासिटिज्म है इसमें एक होता है होस्ट, एक होता है पैरासाइट। पैरासाइट का प्लस होगा, फायदा होगा, होस्ट का नुकसान होगा, बोथ आर को इवॉल्व्ड, को इवॉल्व्ड। होस्ट और पैरासाइट दोनों जो होते हैं बेटा, ये को इवॉल्व हुए हैं, को इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, मतलब एक में चेंज हुआ तो दूसरा अपने आप बदल जाएगा ना। तो पैरासिटिज्म है ये भी एक इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हम बताएं आपको, एक का फायदा है दूसरे का नुकसान है। तो जो पैरासाइट होता है ना, ज़्यादातर जो पैरासाइट होता है उसकी खासियत क्या है, अपने होस्ट के लिए स्पेसिफिक होता है। और जो पैरासाइट होता है इसमें आप देखोगे ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट होता है, ताकि होस्ट से अटैच हो सके, जैसे सकर वगैरह होता है, ऑर्गन फॉर अटैचमेंट उसमें होगा। ऐसे ही उसका लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन होता है, सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब कुछ तो होस्ट से मिला मिलाया मिलता है उसको। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम और मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमी, ज़्यादातर वो सिंपल होता है बहुत, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल ऑफ एन इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। तो एक पैरासाइट दो टाइप का है, जो पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट क्या करता है, अपने होस्ट का लाइफ कम कर देता है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसको रिड्यूस कर देता है, लाइफ जो जीवन काल है उसको कम कर देता है। और इसके अलावा आप देखोगे उसको वल्नरेबल कर देगा डिजीज के लिए या फिर प्रेडेशन के लिए, ये सब पैरासाइट करता है, उसको बिल्कुल बीमार कर देता है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर करा देता है। पैरासाइट दो टाइप का है, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट जो होता है ये आप देखोगे ना बॉडी के सरफेस पर है एकदम बाहर बाहर, जैसे लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग्स, कॉपपॉड्स ऑन मेराइन फिशेस, कस्कुटा ऑन हेज प्लांट, कस्कुटा पैरासिटिक प्लांट होते हैं ना, टोटल स्टेम पैरासाइट। और कस्कुटा जो होता है ये पैरासिटिक प्लांट होता है हेज प्लांट के ऊपर। उसके बाद एक्टो पैरासाइट के बाद है एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट में एक्सट्रीमली स्पेशलाइज होते हैं ये, एंडो पैरासाइट जो होते हैं एक्सट्रीमली स्पेशलाइज होते हैं,
एंड कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है इनका, मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ये सिंपल होता है इनका, जैसे लीवर फ्लूक और प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये एंडो पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं। इनका लाइफ साइकिल थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है क्योंकि इनका स्पेशलाइजेशन बहुत ही एक्सट्रीम होता है, अलग अलग ऑर्गन के लिए होता है। एक शब्द यूज होता है ब्रूड पैरासिटिज्म, ये आपको कुकुलेज इट्स ए इन द क्रो नेस्ट, ये जो कोयल होता है, कोयल कभी घोंसला नहीं बनाता, ये कौवे के क्रो के घोंसले में अपने अंडे दे देता है। तो क्रो का तो कौवा और कुक्कू दोनों के अंडे का कलर साइज जब एक जैसा होता है तो कौवा समझता है, क्रो समझता है कि अपना ही अंडा है भाई, क्रो का ही अंडा है, उसका खूब सेवा करता है। बाद में जब हैचिंग होता है तो उससे निकलता है कुक्कू का चूजा निकलता है, बच्चा निकलता है। तो ये भी कोई इवोल्यूशन का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म का। हाइपर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट क्या है, पैरासाइट के ऊपर जो पैरासाइट होता है उसको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट या सुपर पैरासाइट। जैसे बैक्टीरिया एक पैरासाइट है और बैक्टीरिया के भी ऊपर पैरासाइट होता है बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज एग्जाम्पल हो गया हाइपर पैरासाइट का, जो पैरासाइट के ऊपर भी पैरासाइट हो। और एक हाइपर पैरासाइट है पास्टोरेला पेस्टिस, ये इज अ पैरासाइट ऑन रैट फ्ली, रैट फ्ली पैरासाइट है रैट के ऊपर, और पास्टोरेला पेस्टिस है रेड फ्ली के ऊपर पैरासाइट। तो ये पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट हो गया, सुपर पैरासाइट या हाइपर पैरासाइट। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अब एक चीज देखिएगा, एक इंट्रैक्शन लास्ट में बचता है, हम आपको बता देते हैं, बहुत छोटा सा है, अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म ठीक है, तो इसका जीरो और माइनस है सिंबल, अमेंसलिज्म। तो इसमें एक टर्म यूज होता है एंटीबायोसिस, एंटीबायोसिस या एलिलोपैथी, एलिलोपैथी या एलोपैथी, एलिलोपैथी ठीक है। एलिलोपैथी क्या है, एलिलोपैथी का मतलब है इनहिबिशन ऑफ ऑफ अदर पार्टनर, अदर पार्टनर बाय द रिलीज ऑफ, बाय द रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, बाय द रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह हो गया ना। इनहिबिशन ऑफ अदर पार्टनर बाय द रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, इसको बोलते हैं एंटीबायोसिस या एलिलोपैथी। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया बेटा ऑल एंटीबायोटिक्स, ऑल एंटीबायोटिक्स मतलब एक ऑर्गेनिज्म का ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन उसकी वजह से दूसरे का नुकसान जरूर हो रहा है। तो इसमें जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, ऑल एंटीबायोटिक्स, जैसे रिलीज ऑफ जुगुलन टॉक्सिन बाय वॉलनट, वॉलनट ये सब है ना। तो होता क्या है बेटा, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, एक बार बताइए, एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको एक माइक्रोब रिलीज करता है जो दूसरे के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, उससे जिसने रिलीज किया उसका कोई फायदा ना हुआ लेकिन दूसरे का नुकसान हो गया, तो एमेंसलिज्म है, एंटीबायोसिस है। जुगलन टॉक्सिन बाई वॉलनट, अखरोट का प्लांट जो होता है वो क्या करता है, जुगलन टॉक्सिन रिलीज करता है, वो क्या करता है, ये टॉक्सिन दूसरे प्लांट्स के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता। जैसे मैंगो है, एप्पल है, इन सब के सीड को जर्मिनेट नहीं करने देगा। तो एक बार बताइए, इसे वॉलनट को कोई फायदा नहीं था, तो ये जीरो और माइनस हो गया ना। तो ये अमेंसलिज्म का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, ध्यान देना, ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी का, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। आप ये पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम अगला चैप्टर स्टार्ट है बेटा कर रहे हैं
इकोसिस्टम जो शब्द है ना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन नीट में आता है। इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय एजी टेंसले, इन्होंने इन साहब ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द यूज किया था। इकोसिस्टम क्या है? आपको पता है कि इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट है, एक तो बायोटिक कंपोनेंट है, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट के इंटरैक्शन या इंटीग्रेशन से जो स्टेबल सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो देखिए क्या है इकोसिस्टम, द स्टेबल सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन या इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरैक्शन से जो स्टेबल सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो टाइप का है, एक तो नेचुरल है, दूसरा है मैन मेड है। नेचुरल में ह्यूमन का कोई रोल नहीं है इसको बनाने में, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। और मैन मेड मतलब एंथ्रोपोजेनिक, ये मैन मेड है, एंथ्रोपोजेनिक या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जैसे एक्वेरियम है, एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रो इकोसिस्टम भी बोलते हैं इसको, जूलॉजिकल पार्क है, इन सब में ये सब जो होता है मैन मेड इकोसिस्टम होता है। एक्वेरियम जैसे हो गया ना, तो इसमें कोई सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता, नो सेल्फ रेगुलेशन, मतलब कोई भी होमियोस्टेसिस नहीं होता। नेचुरल इकोसिस्टम में होमियोस्टेसिस होता है, सेल्फ रेगुलेशन होता है। कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात की है। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या है आप यहाँ पे देख लीजिए, बायोटिक कंपोनेंट क्या है। बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है, लिविंग कंपोनेंट। सबसे पहला है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एनर्जी के लिए। ये सोलर रेडिएशन से एनर्जी लेते हैं और सन से जितना रेडिएशन आ रहा है उसका 1% इनको मिलता है, तो 1% हम लेते हैं। तो ये उसी एनर्जी का, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करा के फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, इसलिए नाम पड़ गया प्रोड्यूसर। और क्योंकि ये सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में कराते हैं इसलिए नाम पड़ गया कन्वर्टर, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना इसलिए नाम पड़ गया ट्रांसड्यूसर। तो बेसिकली एक्वाटिक इकोसिस्टम में मेनली होते हैं एल्गी या फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रासेस है, वुडी प्लांट्स है, ये सब मेन प्रोड्यूसर होता है। उसके बाद आता है कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स जो होता है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है प्रोड्यूसर के ऊपर, ठीक है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होता है प्रोड्यूसर के ऊपर, हेटरोट्रॉफिक है। तो कंज्यूमर कई अलग अलग लेवल का होता है, कई टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है ये हर्बीवोर है, क्योंकि ये सीधे प्रोड्यूसर को खाएगा, प्रोड्यूसर मतलब पेड़ पौधों को खाएगा, ये ग्रीन प्लांट है ना प्रोड्यूसर, तो पेड़ पौधों को खाने वाला हर्बीवोर होगा। तो प्रोड्यूसर का ट्रॉफिक लेवल था T1 मतलब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। कंज्यूमर का, कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर का ट्रॉफिक लेवल होगा T2 मतलब जो डायरेक्टली T1 को खाएगा, प्रोड्यूसर को खाएगा। और प्लांट को खाने वाला क्या होता है, हर्बीवोर होता है। हर्बीवोर को की इंडस्ट्री एनिमल्स भी बोलते हैं, ध्यान देना, हर्बीवोर्स आर आल्सो कॉल्ड की इंडस्ट्री एनिमल्स, बिकॉज हर्बीवोर क्या करता है, प्लांट को खा लेता है और हर्बीवोर अपना बायोमास बढ़ा देता है। तो हर्बीवोर्स आर कॉल्ड की इंडस्ट्री एनिमल्स, बिकॉज की इंडस्ट्री एनिमल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे कन्वर्ट प्लांट बायोमास इन एनिमल बायोमास। हर्बीवोर प्लांट को खा खा के अपना बायोमास बढ़ा लेता है, तो ये प्लांट बायोमास को एनिमल बायोमास में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं की इंडस्ट्री एनिमल्स, ठीक है, बिकॉज दे कन्वर्ट प्लांट बायोमास इन एनिमल बायोमास। प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कार्निवोर बोलते हैं, क्योंकि जो हर्बीवोर को खाएगा वो प्राइमरी कार्निवोर होगा, इसका ट्रॉफिक लेवल T3 होगा। जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा उसको बोलेंगे टर्सरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कार्निवोर, इसका ट्रॉफिक लेवल T4 होगा। और इसको खाने वाला होगा टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर नॉट ईटन बाय अदर्स, इसको कोई नहीं खा पाएगा ना, तो इसका नेचुरल डेथ होगा, इसे कोई नहीं खा पाएगा, तो इसका T5 ट्रॉफिक लेवल क्या है, T5 है, इसको कोई खाने वाला, इसका कोई प्रीडेटर नहीं होगा, तो ये T5 होगा, T5। तो प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर को हम रिड्यूसर या मिनरलाइजर्स भी बोलते हैं, रिड्यूसर या मिनरलाइजर्स, दीज आर सैप्रोफिटिक माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई होता है, इसका वेंजर्स होते हैं, इसके वेंजर्स।
तो इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उससे इनऑर्गेनिक मिनरल्स बना देते हैं, मिनरल्स, इसलिए नाम पड़ गया मिनरलाइजर्स। ये कॉम्प्लेक्स को सिंपल में रिड्यूस कर रहे हैं ना, डिकम्पोज कर रहे हैं, इसलिए नाम पड़ गया डिकम्पोजर्स या रिड्यूसर्स भी इनको बोला जाता है। तो आप ये लिख लीजिए, ये बायोटिक कंपोनेंट हो गया बायोटिक। अब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, आप इसको लिख लीजिए पहले। एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट जो होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है बेटा, इसमें ध्यान देना। इसमें जैसे एडियाबेटिक फैक्टर, एडियाबेटिक फैक्टर सॉइल को बोलते हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सरफेस, इसमें जैसे माउंटेन है, वैली है, ये सब आ जाएगा। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, ये सब ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था मेजर एबायोटिक फैक्टर्स में, तो ये सब एबायोटिक फैक्टर्स है। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के इंट्रैक्शन से जो सिस्टम बन रहा है ना, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, फिर इसके बारे में बताएंगे, इसके बाद बताएंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर में जैसे है स्पीसीज डाइवर्सिटी या रिचनेस, ये इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। स्पीसीज डाइवर्सिटी या रिचनेस, स्पीसीज डाइवर्सिटी या रिचनेस क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया जो होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी या रिचनेस होता है। स्पीसीज कंपोजिशन, स्पीसीज कंपोजिशन भी स्ट्रक्चर को ही दिखा रहा है। स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, इट इज़ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये स्पेशियल अरेंजमेंट को दिखाता है, जगह के हिसाब से अरेंजमेंट दिखाता है, स्पेस के हिसाब से ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट जो होता है वो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है। इसमें जैसे डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट, इसमें आप देखिए कोई मान लीजिए डेंस फॉरेस्ट है, तो ये फर्स्ट लेवल इसका ट्री का है, फिर सेकंड लेवल में ये श्रब्स आपको मिलेंगे, श्रब्स, फिर थर्ड लेवल पे आपको मिलेंगे हर्ब्स, फिर फोर्थ लेवल पे आपको मिलेंगे ग्रासेस। तो टॉप पे ट्री है, फिर सेकंड लेवल उससे नीचे है हर्ब्स, फिर श्रब्स, फिर ग्रासेस। तो इनका जगह के हिसाब से स्पेशियल अरेंजमेंट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, जगह के हिसाब से और अरेंजमेंट होना स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। तो ये भी ना स्ट्रक्चर ही पूरा दिखा रहा है ना। अब आगे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में आपको पढ़ना है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, PDEN, ये आपको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में आपको पढ़ना है। सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। सुगर केन का फील्ड हो गया, कोरल रीफ हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स, ध्यान देना। सुगर केन फील्ड का फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है, सुगर केन फील्ड हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ये सब बहुत ही प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स होते हैं। तो प्रोडक्टिविटी दो टाइप का है, एक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करके कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किस रेट से ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है प्लांट के लेवल पे, मतलब प्रोड्यूसर के लेवल पे जो ऑर्गेनिक मैटर स्टोर हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप का है, GPP और NPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है द रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय प्रोड्यूसर्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, एक्सप्रेस्ड इन वेट, वेट मतलब बायोमास, जैसे ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब इतना ग्राम ऑर्गेनिक मैटर पर ईयर प्रोड्यूस हुआ, या फिर एनर्जी के रेस्पेक्ट में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब इतना किलो कैलोरी एनर्जी पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ लीफ पर ईयर। तो GPP में जो लॉस होता है अपना, वो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई दुकान रखा है, कोई सामान खरीदा, 10 रुपये में खरीदा और 15 रुपये का आपने बेचा, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितने का होगा, 15 रुपये का होगा, ग्रॉस प्रॉफिट 15 रुपये का होगा। ये अलग बात है कि 10 रुपये आपने भी तो लगाया था, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ग्रॉस मतलब जो आपने लगाया था उसको हम नहीं लेते हैं। तो टोटल जितना ऑर्गेनिक मैटर बना वो था GPP। NPP क्या है, NPP इट इज़ द रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट्स आफ्टर द रेस्पिरेटरी लॉस,
GPP इक्वल टू NPP, मतलब NPP इक्वल टू GPP माइनस R, मतलब जो आपका नुकसान है रेस्पिरेशन के थ्रू, प्लांट फोटोसिंथेसिस में CO2 लेता है लेकिन रेस्पिरेशन में लॉस करता है, तो रेस्पिरेशन से जितना वो लॉस किया है कार्बन उसको भी तो हम निकालेंगे ना, तब जो बचेगा वो नेट होगा। जैसे 10 का सामान लिया, 15 का आपने बेच दिया, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट 15 रुपये का हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 15 माइनस 10 करो, 10 रुपये आपने भी तो लगाया था, लॉस भी तो आपका हुआ था ना, 10 रुपये का आपने भी तो इन्वेस्ट किया था, तो नेट आपका प्रॉफिट हो जाएगा 5 रुपये का। तो वैसे ये भी है, तो द एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अबाउट 170 बिलियन टन्स। देखिए पूरे बायोस्फीयर में फोटोसिंथेसिस से 170 बिलियन टन्स नेट बनता है ऑर्गेनिक मैटर, और ओशन जो होता है समुंदर है, ये 71% एरिया कवर कर रखा है पूरे बायोस्फीयर का, जबकि इसका प्रोडक्टिविटी सिर्फ 55 बिलियन टन है, बहुत ही कम है। ओशन का प्रोडक्टिविटी बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट लिमिटिंग फैक्टर होता है और न्यूट्रिएंट भी लिमिटिंग फैक्टर, जैसे नाइट्रोजन, ये लिमिटिंग फैक्टर होता है। एनपीपी इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर द हर्बीवोर कंजम्पशन, एनपीपी ही होता है जो हर्बीवोर कंज्यूम करता है, इट इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर द हर्बीवोर कंजम्पशन। एनपीपी जो होता है ये अवेलेबल बायोमास होता है फॉर द हर्बीवोर कंजम्पशन, ठीक है? तो ये एनपीपी हो गया। तो जीपीपी और एनपीपी ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जब प्रोड्यूसर को हर्बीवोर खाएगा, कंज्यूमर खाएगा, तो प्रोड्यूसर का जो बायोमास था, एनर्जी था, बायोमास था, वो कहाँ चला गया? हर्बीवोर में चला गया, कंज्यूमर में चला गया। तो वही है, द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल, कंज्यूमर लेवल पे जो ऑर्गेनिक मैटर स्टोर है, हेटरोट्रॉफी स्टोर है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटीज। हर्बीवोर में कहाँ से आया, हेटरोट्रॉफ में कहाँ से आया, कंज्यूमर में कहाँ से आया, प्रोड्यूसर से आया, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो शुगर केन फील्ड हो गया, शुगर केन फील्ड और कोरल रीफ हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, डीप ओशन है, डीप ओशन जहाँ लाइट बहुत कम पड़ता है, रेगिस्तान है, डेजर्ट, ये सब लीस्ट प्रोडक्टिव, बहुत ही कम प्रोडक्टिव या लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं। तो प्रोडक्टिविटी हमने बता दिया, अब हम बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन के बारे में, ठीक है? आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए पहले। प्रोडक्टिविटी के बाद अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे डिकम्पोजिशन के बारे में। डिकम्पोजिशन क्या है, मैं आपको बता दें, डिकम्पोजिशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उससे सिंपल ऑर्गेनिक मैटर का बनना, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का, मिनरल्स का, इनऑर्गेनिक मिनरल्स का CO2 H2O का बनना, इसका फिर मिट्टी में मिल जाना, ये होता है डिकम्पोजिशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक मिनरल्स का बनना, ये डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन में स्टेप क्या क्या है? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म में ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये स्टेप्स है। तो जैसे आप देखिए, एक टर्म यूज होता है लिटर, लिटर क्या होता है? लिटर या डेट्राइटस, ये होता है ऑर्गेनिक मैटर या डेड मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर जिसका डिकम्पोजिशन होना है, इसको हम लिटर या डेट्राइटस बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए प्लांट का कोई लीफ है, लीफ टूट के गिरा, तो ये लिटर है। इसके ऊपर इसका फ्रेगमेंटेशन होगा बाय डेट्रीवोर्स, जैसे अर्थवर्म्स, फ्रेगमेंटेशन होगा तो कई सारे टुकड़े छोटे छोटे टूट जाएंगे उसमें, तो ये फ्रेगमेंटेड लिटर बन गया, कई टुकड़ों में टूट गया, इससे सरफेस एरिया इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब इसमें जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बारिश के पानी के साथ में नीचे चले जाएंगे, ज़मीन में बिल्कुल नीचे अंदर सॉइल में लोअर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। तो लीचिंग क्या है? डाउनवर्ड लीचिंग ऑफ वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ फ्रेगमेंटेड मैटर एंड गेट डिपॉजिटेड इन द लोअर स्ट्रेटा एज अनअवेलेबल सॉल्ट, अनअवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म में फ्रेगमेंटेड मैटर के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं लीचिंग। अब जो फ्रेगमेंटेड मैटर है इसका कैटाबोलिज्म होगा, ब्रेकडाउन हो गया बाय डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। तो बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं ना, ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटाबोलिज्म का ब्रेकडाउन करते हैं, मतलब ये जो फ्रेगमेंटेड मैटर है इसका कैटाबोलिज्म करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं। तो ब्रेकडाउन से एक तो ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन होना होता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में बताए थे हम सॉइल फॉर्मेशन में, ह्यूमस होता है डार्क कलर्ड इरेगुलर मतलब एमॉर्फस एसिडिक कोलोइडल सब्सटेंस है जो हाईली रेजिस्टेंट है फॉर माइक्रोबियल ब्रेकडाउन एंड एक्ट एज न्यूट्रिएंट रिजर्वोयर, ये न्यूट्रिएंट स्टोर हाउस का काम करता है, मतलब इसको तोड़ा जाए तो न्यूट्रिएंट मिलेंगे। और
ह्यूमिफिकेशन के बाद एक प्रोसेस है मिनरलाइजेशन, तो ये कैटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। जब बैक्टीरिया फंजाई ब्रेक डाउन करेगा फ्रेगमेंटेड मैटर का तो ह्यूमस बनेगा, और ह्यूमस का जब ब्रेकडाउन होगा तो मिनरल्स बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स अपॉन माइक्रोबियल ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। ये मिनरल्स मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया पूरा डिकम्पोजिशन वाला स्टेप। अब ये बताइए, अब एक चीज़ हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या क्या मतलब फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहला केमिकल नेचर ऑफ लीटर, केमिकल नेचर ऑफ लीटर, लीटर मतलब डेट्राइटस जिसका ब्रेकडाउन होना है। अगर लीटर उसका केमिकल नेचर क्या है, अगर वो नाइट्रोजिनस और शुगर रिच कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है, शुगर रिच कंपाउंड है, मतलब सिंपल शुगर्स हैं, नाइट्रोजन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस है अगर लीटर में, तो उसका डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होगा। अगर उसमें स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे सेलुलेज है, सेलुलोज है, पेक्टिन है, लिग्निन है, अगर ये सब है तो उसका डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो होगा, केमिकल नेचर हो गया। दूसरा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, अगर एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा, एरोबिक डिकम्पोजिशन बहुत ही फास्ट होगा, एनारोबिक डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन में माइक्रोब इन्वॉल्व है। तो ऐसे फैक्टर्स जो इनके ग्रोथ को फेवर करेंगे तो डिकम्पोजिशन को भी वो बढ़ाएंगे, फेवर करेंगे। तो एरोबिक डिकम्पोजिशन फास्ट होता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन स्लो होता है। अब जैसे सोयल, ध्यान देना, टेम्परेचर एंड सोयल मॉइस्चर की बात हो रही है, टेम्परेचर एंड सोयल मॉइस्चर। अगर टेम्परेचर जाहिर सी बात है माइक्रोबियल ग्रोथ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर है 20 के आसपास, 20 से 25 के आसपास, मतलब टेम्परेचर बहुत कम ना हो कि माइक्रोबियल सर्वाइव ना करे, तो हाई टेम्परेचर होगी, हाई टेम्परेचर मतलब 20 से 30 के आसपास में। एंड सॉइल मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर मौजूद है और टेम्परेचर ठीक ठाक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर है टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर फेवर्स डिकम्पोजिशन, स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन। रेगिस्तान में डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बेटा मॉइस्चर बहुत ही कम अवेलेबल है ना, ना कि बराबर, बहुत कम, इसलिए वहाँ पे डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो होता है। तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, टेम्परेचर सही होगा, ऑप्टिमम होगा, हाई होगा, बहुत कम ना हो, माइनस में ना हो, और मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन खत्म हो गया है। अब हम एनर्जी फ्लो के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या बाकी है, एनर्जी फ्लो है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, और आपको एक कंसेप्ट मिलेगा इकोलॉजिकल सक्सेशन का, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके बाद एनर्जी फ्लो के बारे में, आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, प्रोडक्टिविटी हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में, सॉरी फंक्शनल एस्पेक्ट में, इकोसिस्टम का फंक्शन संपन्न है, फंक्शनल एस्पेक्ट, प्रोडक्टिविटी हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। अब बात करें एनर्जी फ्लो के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो आप देखिए, सन से जो रेडिएशन आ रहा है, सन से जितना भी रेडिएशन आ रहा है, तो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कितना हो गया, 100%। तो लेस देन 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, और मोर देन 50% जो रेडिएशंस होता है एब्जॉर्ब बाई गैसेस, वाटर वेपर्स, रिफ्लेक्टेड बाई क्लाउड्स एंड स्कैटर्ड बाई डस्ट पार्टिकल्स, ये सब 50%। तो ऐसे आप देखोगे 50% तो प्लांट के यूज में आएगा ही नहीं, लेस देन 50% पार होगा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होगा, और उसमें से भी 45 से 49% का एनर्जी के थ्रू लॉस हो जाता है, 45 से 49%। 1 to 5% जो रेडिएशन है वो जीपीपी में यूज होगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस पे यूज करेगा, और उसमें से भी 0.2 to 1% लॉस में चला जाएगा रेस्पिरेशन के थ्रू। तो जीपीपी माइनस आर हो गया ना, रेस्पिरेशन के थ्रू लॉस हो गया, तो जो बचा हुआ एनर्जी था वो एनपीपी में यूज हो गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में 0.8 से 4% एनपीपी में यूज हो जाता है। तो एनर्जी फ्लो जो होता है, एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। ये जो एनर्जी फ्लो होता है बेटा, आप देखोगे ना, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ होता है। जो एनर्जी फ्लो होता है ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, मतलब एनर्जी हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, याद रखना, क्योंकि हर एक स्टेप एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है।
तो एनर्जी कम होता जाता है धीरे धीरे ना, तो हाई से लो की तरफ एनर्जी जाता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लो। फ्लो मतलब बहाव, हाई से लो की तरफ जो होता है ना, प्रेशर फ्लो, एनर्जी फ्लो, तो ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। तो आप देखिए, एक टर्म यूज होता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन जैसे ये खाने पीने का पूरा एक सीरीज है बेटा, ध्यान देना, ये खाने पीने का एक सीरीज है जिसमें आप देखोगे एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, दूसरे को तीसरा खाएगा, तीसरे को चौथा खाएगा, पांचवा खाएगा, तो ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था, जो सबसे पहला था, वहाँ से शुरू हुआ एकदम अंतिम तक गया, मतलब एकदम अल्टीमेट या सबसे लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक ये प्रोसेस ऐसे जाता है ना। तो पूरा ये प्रिडेशन सीरीज होता है। जैसे मान लीजिए ग्रास है, ग्रास को ग्रास ओपर खा लिया, ग्रास को ग्रास ओपर ने खा लिया, ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को पिकॉक ने खा लिया, मतलब ये पूरा एक प्रिडेशन सीरीज है ना, एक को दूसरे ने खाया। तो बेटा ग्रास को ग्रास ओपर ने खाएगा खाया तो ग्रास का एनर्जी ग्रास ओपर में चला गया, और ग्रास ओपर को जब फ्रॉग खाएगा तो ग्रास ओपर का एनर्जी ग्रास मतलब उसमें क्या बोलते हैं फ्रॉग में चला जाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा तो फ्रॉग का एनर्जी स्नेक में चला जाएगा, स्नेक को पिकॉक खाएगा तो स्नेक का एनर्जी पिकॉक में चला जाएगा। तो हर एक स्टेप में आप देखो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और हर एक स्टेप यहाँ पे एक फूड चेन एक ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक स्टेप यहाँ पे एक ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए फूड चेन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, मतलब एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को कोई और खा गया ना, या हम बोलें द प्रिडेशन सीरीज। ये प्रिडेशन सीरीज है, पूरा एक चेन है, प्रिडेशन सीरीज लीडिंग टू अल्टीमेट ट्रॉफिक लेवल। ये तब तक चलेगा जब तक अल्टीमेट मतलब सबसे अंतिम ट्रॉफिक लेवल ना आ जाए, इज कॉल्ड फूड चेन। तो ट्रॉफिक लेवल क्या है, ट्रॉफिक लेवल को टी से दिखाते हैं, कैपिटल टी, ट्रॉफिक लेवल। ईच स्टेप इन द फूड चेन वेयर एनर्जी फ्लो अकर्स इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ईच स्टेप इन द फूड चेन, ध्यान देना, ईच स्टेप इन द फूड चेन, ईच स्टेप इन द फूड चेन वेयर एनर्जी फ्लो अकर्स इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, मतलब ईच स्टेप इन द फूड चेन वेयर एनर्जी फ्लो अकर्स इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, मतलब फूड चेन का हर एक स्टेप जहाँ पे एनर्जी फ्लो होता है, ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ईच स्टेप इन द फूड चेन वेयर एनर्जी फ्लो अकर्स इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। तो हर एक स्टेप जो होता है कोई ना कोई ट्रॉफिक लेवल दिखा रहा होता है। तो ग्रास को ग्रास ग्रास ओपर खाएगा तो ग्रास का एनर्जी ग्रास ओपर में चला जाएगा ना, तो एक वो भी एक ट्रॉफिक लेवल हुआ, उसके बाद भी एक ट्रॉफिक लेवल है, हर एक स्टेप एक ट्रॉफिक लेवल दिखाता है। टाइप्स ऑफ फूड चेन, फूड चेन यहाँ पे हम आपको तीन टाइप का दिखा रहे हैं, मेनली दो ही टाइप का होता है, पहला और दूसरा, लेकिन एक और नया बना है, मॉडिफिकेशन हुआ है, तुम जीएफसी का ही मॉडिफिकेशन से पीएफसी बना है। ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन को ही बोलते हैं ऑक्सिलरी फूड चेन। तो फूड चेन यहाँ हमने तीन टाइप का दिखाया है, आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम एक एक करके तीनों फूड चेन के बारे में बात करते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन, अब यहाँ पे हम एक एक करके तीनों फूड चेन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है स्टार्ट्स विद द ग्रीन प्लांट्स, ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, विच डिपेंड्स ऑन इन्फ्लक्स ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। ये जीएफसी जो होता है ग्रेजिंग फूड चेन, इसको प्रीडेटर फूड चेन भी बोलते हैं। ये ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर को एनर्जी किससे मिलता है, सन से मिलता है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ठीक है, तो साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली इंक्रीजेज एट द हायर ट्रॉफिक लेवल। ग्रेजिंग फूड चेन में आप देखोगे जो ऑर्गेनिजम का साइज होगा ना, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे फूड ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा वैसे साइज ऑर्गेनिजम का साइज भी बढ़ता जाता है। तो ग्रेजिंग फूड चेन को हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी दिखा रखा है और एक्वाटिक इकोसिस्टम, दोनों इकोसिस्टम में हम आपको ग्रेजिंग फूड चेन दिखाते हैं, ठीक है। तो ग्रेजिंग फूड चेन आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक्वाटिक इकोसिस्टम दोनों मिल जाएगा। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लैंड पे देखिए, ग्रास है, ग्रास को ग्रास ओपर खाया, ग्रास ओपर को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को इंसेक्ट, स्नेक खाया, स्नेक को पीकॉक ने खाया,
पहला ट्रॉफिक लेवल था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा था, तो हर एक स्टेप में क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ग्रास को ग्रास ओपर ने खाया तो इसका एनर्जी इसमें चला गया, ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खाया तो इसका एनर्जी इसमें चला गया, इसका इसमें, इसका इसमें, हर एक स्टेप पे ट्रॉफिक लेवल दिखा रहा है। टी का मतलब ट्रॉफिक लेवल, पहला ट्रॉफिक लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे हर एक स्टेप यहाँ पे बेटा, हर एक स्टेप यहाँ पे एक ट्रॉफिक लेवल दिखा रहा है और हर एक स्टेप यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखिए आप जरा, एक्वेटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन ने खाया, जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया, लार्ज फिश को फिश ईटिंग बर्ड ने खाया। तो यहाँ भी आप देखेंगे ना, यहाँ भी हर एक स्टेप एक ट्रॉफिक लेवल को दिखाता है, टी वन को टी टू ने खाया, टी टू को टी थ्री, टी थ्री को टी फोर, टी फोर को टी फाइव ने, तो हर एक स्टेप यहाँ पर कोई ना कोई एक फूड चेन दिखा रहा है जहाँ पर एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो मतलब हर एक स्टेप यहाँ पर कोई ना कोई ट्रॉफिक लेवल दिखा रहा है जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, फ्लो हो रहा है। GFC के बाद दूसरा है डेट्राइटस फूड चेन, DFC। डेट्राइटस मतलब क्या होता है, डेड मैटर ना, जो डेड या डिकेइंग मैटर होता है, तो बिगिंस विद द डेथ एंड डिकेइंग मैटर। ये जो DFC है, डेट्राइटस फूड चेन है, ये डेड या डिकेइंग मैटर से स्टार्ट होता है, या सिंपली बोल दें ऑर्गेनिज्म के डेथ से स्टार्ट होता है। DFC होने के लिए डेट्राइटस तो होना चाहिए ना, ऑर्गेनिज्म का डेथ तो होना चाहिए, उसका कोई डेथ पार्ट, डेथ डाई तो करना ही चाहिए, तभी तो डेट्राइटस बनेगा। डिकम्पोज मटेरियल से ही ये प्रोसेस शुरू होता है, तो ये डेथ के ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है, डिकेइंग मैटर से स्टार्ट होता है। जैसे देखिए डेट्राइटस है, डेड मैटर है, इसको खाया डेट्रीवोर, डेट्रीवोर में जैसे अर्थवर्म वगैरह खा लिया, अब डेट्रीवोर को या अर्थवर्म को स्पैरो ने खा लिया, चिड़िया है ना स्पैरो, इसने खा लिया, तो डेड मैटर से शुरू हुआ, इसको इसने खाया, इसको इसने खा लिया, जिसको बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। तीसरा है पैरासिटिक फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन को हम ऑक्सिलरी फूड चेन भी बोलते हैं, पैरासिटिक फूड चेन या एक्सिलरी फूड चेन, पीछे अभी हमने नाम लिखाया था। तो ये GFC का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ GFC, ये जो ग्रेजिंग फूड चेन था उसी का मॉडिफिकेशन था। देखिए ये प्लांट से स्टार्ट होता था ना, ये भी प्लांट से स्टार्ट होगा, और लेकिन यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिड्यूसेस एट हायर ट्रॉफिक लेवल, वहाँ साइज बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यहाँ कॉमनली रिड्यूस होता है। तो जैसे एक ट्री है, ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स बैठे हैं, ठीक है, और बर्ड्स के ऊपर, ट्री के ऊपर पैरासाइट कौन है, बर्ड्स, ट्री के ऊपर पैरासाइट है बर्ड, और बर्ड के ऊपर पैरासाइट है लाइस है, बग्स है, ये समझा, बर्ड के ऊपर बैक्टीरिया भी हो सकता है, लाइस या बग्स भी हो सकता है, तो इसके ऊपर ये पैरासाइट और इसके ऊपर ये पैरासाइट है, लाइस एंड बग्स, तो ये पैरासिटिक फूड चेन है। एक नोट करके एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने दिखा रखा है बेटा, एक बार बताइए, जो डेट्राइटस है, डेट्राइटस मतलब डेड मैटर या लिटर या डेड मैटर, डेड मैटर कहाँ ज़्यादा अवेलेबल है, डेड मैटर कहाँ ज़्यादा अवेलेबल है, लैंड पे ज़्यादा अवेलेबल है या वाटर में, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में या वाटर में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। जाहिर सी बात है डेड मैटर का अवेलेबिलिटी आपको लैंड पे ज़्यादा मिलेगा, इतने बड़े बड़े साइज के प्लांट्स हैं ये सब है ना, पानी में तो बहुत छोटे छोटे एल्गी हैं, तो ओवरऑल देखा जाए डेड मैटर का अवेलेबिलिटी आपको लैंड पे ज़्यादा मिलेगा। तो एनर्जी फूड चेन क्या करता है, ट्रॉफिक लेवल या फूड चेन एनर्जी फ्लो करता है, तो कौन सा फूड चेन लैंड इकोसिस्टम पे ज़्यादा एनर्जी फ्लो करेगा, जाहिर सी बात है DFC, डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू ज़्यादा एनर्जी फ्लो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेड मैटर का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, बायोमास का अवेलेबिलिटी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे ज़्यादा है। तो देखिए इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ए मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो अकर्स थ्रू द DFC देन थ्रू द GFC, वेयर एज इन एक्वाटिक इकोसिस्टम GFC इज द मेजर एनर्जी कंड्यूट, मतलब कैरियर, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज़्यादातर एनर्जी जो होता है वो डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू ट्रांसफर होता है, जबकि एक्वाटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर होता है, क्योंकि एक्वाटिक में जाहिर सी बात है एल्गी वगैरह बहुत ज़्यादा है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे बायोमास ज़्यादा अवेलेबल है, बड़े बड़े साइज के प्लांट्स हैं, तो जाहिर सी बात है डेड मैटर का भी अवेलेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा डेड मैटर का। तो DFC का मेजर रोल होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और GFC का मेजर रोल होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं फूड चेन हो गया है, अब हम आपको बताएंगे फूड वेब क्या होता है, फूड वेब बताएंगे आपको, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए।
फूड वेब, फूड चेन के बाद हम बात करते हैं फूड वेब के बारे में। फूड वेब क्या है? इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन फ्रॉम फूड वेब। मतलब आप देखेंगे ना, नेचर में है क्या बेटा, नेचर में फूड चेन अकेले काम नहीं करता है आमतौर पे। इन नेचर फूड चेन्स नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन, रेदर वेरियस फूड चेन्स गेट कनेक्टेड टू फॉर्म नेटवर्क कॉल्ड फूड वेब। फूड वेब क्या है? इंटरकनेक्शन या नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन फॉर्म फूड वेब। कई सारे फूड चेन मिलके ना फूड वेब बना लेते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ फूड चेन एंड द अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट एट इस ट्रॉफिक लेवल। मतलब जो फूड वेब है, फूड वेब का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ फूड चेन के ऊपर एंड द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल एट इस ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, एक ना तीसरे को भी खा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला जस्ट अपने नीचे वाले को ही खाएगा, उसके भी नीचे वाले को खा सकता है। तो फूड वेब में यही होता है ना, कितने अल्टरनेटिव प्रेजेंट है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। और एक टर्म मतलब जैसे ग्रेजिंग फूड चेन है, मान लीजिए ग्रेजिंग फूड चेन है, ये अगर इंटरकनेक्ट हो जाए डेट्राइटस फूड चेन से, जीएफसी और डीएफसी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे फूड वेब। मतलब दो फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। स्टैंडिंग स्टेट या क्वालिटी। स्टैंडिंग स्टेट या क्वालिटी क्या होता है बेटा, ध्यान देना। स्टैंडिंग स्टेट या क्वालिटी, द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम। मतलब कितना अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में कितना अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मौजूद है किसी इकोसिस्टम में, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी। और स्टैंडिंग क्रॉप या स्टैंडिंग बायोमास क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप होता है बेटा, स्टैंडिंग स्टेट या क्वालिटी एक ही है, स्टैंडिंग क्रॉप या बायोमास एक ही है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? तो स्टेट या क्वालिटी था इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है इकोसिस्टम में। क्रॉप क्या? द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स एट अ गिवन टाइम। जैसे मान लीजिए ग्रास में कितना बायोमास है, लिविंग मटेरियल है, ग्रास ओपर में कितना है, फ्रॉग में कितना है, स्नेक में कितना है, पिकॉक में कितना है, तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल किसी फूड चेन के अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर कितना लिविंग मटेरियल मौजूद है, वही होता है स्टैंडिंग क्रॉप होता है। ठीक है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स पर यूनिट टाइम, या फिर बायोमास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना बायोमास मौजूद है या कितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। एक कंसेप्ट आया था बेटा 10% लॉ का। 10% लॉ रिचमंड एल लिंडेमान ने दिया था, देखिए आप जरा, गिवन बाय रिचमंड एल लिंडेमान इन 1942। और ये जो 10% लॉ है बेटा, 10% लॉ जो होता है ये एनर्जी के ट्रांसफ़र के रेस्पेक्ट में आया था। तो ये बोलता है, जैसे मान लीजिए ग्रास है, ग्रास को ग्रासोपर खा लिया, तो ग्रास का सिर्फ 10% ही एनर्जी ग्रासोपर में जाएगा, 90% एनर्जी लॉस हो जाएगा। ग्रासोपर को जैसे मान लीजिए फ्रॉग खा लिया, तो ग्रासोपर में जो एनर्जी रहा होगा उसका सिर्फ 10% ही जाएगा, बाकी 90% लॉस हो जाएगा। अब स्नेक, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, तो फ्रॉग में जो एनर्जी रहा होगा जितना, उसका 10% ही आगे ट्रांसफ़र होगा, स्नेक में 90% लॉस हो जाएगा, ऐसे ही ना। तो ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। केवल 10% ही एनर्जी जो होता है प्रीवियस का अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है, फिर उसका 10% अगले में, फिर उसका 10%। जैसे मान लीजिए ये ग्रास है, ग्रास प्रोड्यूसर है, ठीक है, ग्रास प्रोड्यूसर है, ग्रास को ग्रास ओपर ने खाया तो इसका एनर्जी इसमें आ गया। तो ये प्रोड्यूसर था, ये प्राइमरी कंज्यूमर था, ये सेकेंडरी कंज्यूमर था, ये टर्सरी कंज्यूमर था, ये क्वार्टरनरी या टॉप कंज्यूमर था, ठीक है। मान लीजिए बेटा, मान लीजिए जो ग्रास है, मान लीजिए ग्रास के पास इतना जूल एनर्जी है, ध्यान देना, ग्रास के पास 1 लाख जूल एनर्जी है, 1 लाख जूल एनर्जी है ग्रास के पास, इकाई दही सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1 लाख जूल एनर्जी है ग्रास के पास, ठीक है। तो ग्रास को ग्रास ओपर खैर 90% एनर्जी लॉस हो गया। तो ये बताइए,
ये जो 90% एनर्जी लॉस हो रहा है ये किस टाइप का एनर्जी है, ये एनर्जी जा कहाँ रहा है, ये किस टाइप का एनर्जी है, ये एनर्जी खर्च हो रहा है मेटाबॉलिज्म में, रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिज्म में खर्च हो रहा है, रेस्पिरेशन में खर्च हो रहा है ये एनर्जी। तो 1 लाख जूल था, इसका 10% इसको मिलेगा, बाकी 90% लॉस हो गया, मतलब 1 लाख का 10% 1000 जूल। फिर ग्रास ओपर को फ्रॉग खाएगा, इसका 10% इसमें आएगा, मतलब 100 जूल। फिर इसका 10% स्नेक में आएगा, मतलब 10 जूल। फिर इसका 10% यहाँ पे आएगा, मतलब 1 जूल। 1 जूल सिर्फ, 1 जूल यहाँ तक पहुँचेगा, मतलब प्रोड्यूसर्स लेके पिकॉक तक पहुँचने में 1 जूल एनर्जी मिला, मतलब 99,999 जूल एनर्जी लॉस हो गया, 1 लाख माइनस 1, बाकी जो बचा वो लॉस हो गया 99,999। इतना जूल एनर्जी क्या हो गया, लॉस हो गया, सिर्फ 1 जूल मिला इसको बस। तो हर एक स्टेप एनर्जी लॉस हो रहा है, यही होता है 10% लॉ। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, 10% लॉ हम यहाँ से फॉलो करेंगे, सन से फॉलो नहीं करेंगे। सन से जो रेडिएशन आएगा, सन से जो रेडिएशन आता है उसका केवल 1% रेडिएशन या एनर्जी इसको मिलता है, ग्रास को मिलेगा, प्रोड्यूसर को। जैसे मान लीजिए सन से रेडिएशन आया, ध्यान देना, सन से रेडिएशन आता है मान लीजिए 1 करोड़ जूल, 1 करोड़ जूल मान लीजिए रेडिएशन आया सन से, तो उसका 1% 1 करोड़ का 1% सन को मिलेगा, मतलब 1 करोड़ का 1%, मतलब 1 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ जूल मान लीजिए एनर्जी आया, 100 लाख, मतलब 1 करोड़ मतलब 100 लाख, 100 लाख जूल एनर्जी आया सन से मान लीजिए, तो उसका 1% मिलेगा सिर्फ प्लांट को, मतलब 1 लाख जूल, 1 लाख जूल इसको मिलेगा। फिर यहाँ से 10% लॉ फॉलो करेंगे, सन से हम 10% लॉ फॉलो नहीं करते, सन से प्लांट को सिर्फ 1% मिलता है, यहाँ से हम फॉलो करते हैं 10% लॉ। ये बात आप याद रखना, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। इकोलॉजिकल पिरामिड एक कंसेप्ट है बेटा, इकोलॉजी में इकोलॉजिकल पिरामिड, इसको एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट था चार्ल्स एल्टन ने इसको दिया था, इसलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल स्ट्रक्चर विद रेस्पेक्ट टू नंबर, बायोमास एंड एनर्जी इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। तो ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, इसमें आप देखोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल स्ट्रक्चर, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को दिखाया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल स्ट्रक्चर विद रेस्पेक्ट टू नंबर बायोमास एंड एनर्जी इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को दिखाया जाता है, नंबर बायोमास मतलब वेट और एनर्जी के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड 3 टाइप का है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। जो पिरामिड ऑफ नंबर है विद रेस्पेक्ट टू नंबर, नंबर के रेस्पेक्ट में होगा, और ये अपराइट या इन्वर्टेड कैसे भी हो सकता है, ये उल्टा भी, ये सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो आमतौर पर सीधा बनता है, अपराइट बनता है। जैसे आप देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर फाइटोप्लैंक्टन का होगा, नीचे से ऊपर जाओ तो नंबर देखो कम हो रहा है, मतलब नीचे बेस चौड़ा बनेगा, तो ये सीधा बना है तो अपराइट। फाइटोप्लैंक्टन का नंबर सबसे ज़्यादा है, इसको खाने वाले जूप्लैंक्टन का नंबर उससे कम है, स्मॉल फिश का नंबर उससे कम है, लार्ज फिश का नंबर सबसे कम है। तो ये पहला ट्रॉफिक लेवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल है, ये चौथा ट्रॉफिक लेवल है। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये अपराइट बन गया। सिंगल ट्री को सिस्टम है, मान लीजिए एक सिंगल ट्री को सिस्टम पे हम पैरासिटिक फूड चेन दिखा रहे हैं, ठीक है। सिंगल ट्री को सिस्टम है और इस पे हम पैरासिटिक फूड चेन दिखा रहे हैं, तो बताइए सिंगल ट्री है मान लीजिए, ये देखिए ये सिंगल ट्री है, एक ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स बैठे हैं एज अ पैरासाइट, और बर्ड के ऊपर पैरासाइट है बहुत सारे लाइस और टिक्स। तो सबसे कम नंबर इसका, फिर इसका, सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, लाइस और टिक्स का है। तो देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हो तो नंबर बढ़ रहा है,
नंबर नीचे से ऊपर जाने पे आप देखो जो नंबर है, नंबर बढ़ रहा है नीचे से ऊपर जाने पे ना, तो ये इन्वर्टेड बन गया, इन्वर्टेड बन गया, उल्टा बन गया। तीसरा है सिंगल ट्री को सिस्टम, फिर से हम सिंगल ट्री को सिस्टम दिखा रहे हैं आप। तो देखिए सिंगल ट्री का स्पिंडल शेप भी बन सकता है, इसमें देखिए एक सिंगल ट्री को सिस्टम है, सिंगल ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स बैठे हैं एज अ पैरासाइट। इन बर्ड्स को खाने वाला सिर्फ एक ही हॉक है, मतलब एक बर्ड पे बहुत सारे हर्बी, एक ट्री पे बहुत सारे हर्बी बर्ड बर्ड बैठे हैं जो प्लांट या उसके प्रोडक्ट को खाएंगे, और इन सभी बर्ड को खाने वाला एक सिंगल हॉक है। तो ये स्पिंडल से बेलन के आकार में बन गया, बीच में बड़ा है, ऊपर नीचे क्या है, नैरो है ना। तो ये सिंगल ट्री को सिस्टम का बन गया स्पिंडल से। तो अपराइट इन्वर्टेड कैसे भी हो सकता है, तो ये पिरामिड ऑफ नंबर हो गया। अब हम आपको पिरामिड ऑफ बायोमास और एनर्जी बताने वाले हैं, आप इसको लिख लीजिए पहले। तो सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास। जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, यहाँ पे ड्राई वेट के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास में हम लोग ड्राई वेट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी अपराइट या इन्वर्टेड कैसे भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, अपराइट या इन्वर्टेड बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वजन के हिसाब से बनेगा, जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड बनेगा, जबकि नंबर वाला एक्वाटिक में अपराइट बनता था, लेकिन बायोमास में इन्वर्टेड बनेगा। जैसे आप बताइए फाइटोप्लैंक्टन का वजन सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा जूप्लैंक्टन का होगा, उससे ज़्यादा स्मॉल फिश का होगा, सबसे ज़्यादा लार्ज फिश का होगा। तो देखिए ना, ये वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है, सब नीचे वाले का सबसे नैरो था, ऊपर वाले का सबसे ब्रॉड है, तो ये उल्टा बन गया। नीचे से ऊपर जाने पर वजन बढ़ रहा है ना, इसलिए उल्टा दिख रहा है आपको। और ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो अपराइट बन रहा है, क्योंकि आप ये बताइए जैसे ये पहला ट्रॉफिक लेवल है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत लार्ज मोटे मोटे प्लांट होते हैं। फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा वजन इनका होगा, प्लांट का होगा, ट्रीज का होगा, वजन सबसे ज़्यादा होगा बायोमास। फिर इन ट्रीज को खाने वाले बहुत सारे हिरन होंगे जंगल में, तो प्लांट से कम बायोमास होगा हिरन का ना। और इन सभी हिरन को खाने वाले एक सिंगल टाइगर है, मान लीजिए एक था टाइगर, तो एक सिंगल टाइगर का बायोमास बहुत सारे हिरन से तो कम ही होगा, तो इसका सबसे कम बायोमास हो गया। तो नीचे से ऊपर जाने पे बायोमास कम हो रहा है, तो ये अपराइट बन गया। तो बायोमास का अपराइट या इन्वर्टेड कैसे भी बन सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे आप देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी, एनर्जी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे, एनर्जी के रेस्पेक्ट में पिरामिड बनेगा। ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट बनता है, सीधा बनता है, बिकॉज एट ईच स्टेप एनर्जी लॉस अकर्स। हर एक स्टेप एनर्जी का लॉस होता है, 10% लॉ पढ़ा है ना अभी आपने, हर एक स्टेप एनर्जी का लॉस होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यहाँ पे लागू होगा कि मतलब आप देखोगे कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन जब एनर्जी का होगा तो एनर्जी का लॉस होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, क्योंकि हर एक स्टेप एनर्जी लॉस होता है। तो देखिए नीचे से ऊपर जाओगे एनर्जी कम होता जाएगा, मतलब एनर्जी लॉस होता है कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो एनर्जी जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा अपराइट बनता है, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी कभी रिवर्स बैक नहीं होता, कभी कम से ज़्यादा की तरफ नहीं होता। एनर्जी कैन नेवर रिवर्ट बैक, एनर्जी कभी रिवर्स नहीं हो सकता, हाई से लो की तरफ जाएगा, लो टू हाई कभी नहीं हो सकता ना। तो ये आपका हो गया पिरामिड कंप्लीट हो गया। तो ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं बेटा, ध्यान देना। ये सारे जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं इनके ड्रॉबैक क्या है हम आपको बता दें। ड्रॉबैक्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसके ड्रॉबैक्स क्या है ये देखिए हमने लिखा है। ड्रॉबैक ये है कि ये सिंपल फूड चेन को एज्यूम करता है बेटा, ध्यान देना। तीन पॉइंट है, तीनों लिख लो, हम बोल रहे हैं। जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इट एज्यूम्स सिंपल फूड चेन एंड डज नॉट एकोमोडेट फूड वेब।
ये फूड वेब की बात करता ही नहीं है, सिंपल फूड चेन की बात करता है बस। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फूड वेब, इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन एंड डज नॉट एकोमोडेट फूड वेब, ये फूड वेब की बात नहीं करता है। दूसरी बात है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, मतलब जो सेप्रोफाइट्स है, डिकम्पोजर्स है, माइक्रोब्स है, उनको फूड चेन में कहीं भी कोई जगह नहीं मिला है, पिरामिड में कहीं भी कोई जगह नहीं मिला है। तो ध्यान देना, माइक्रोब्स, डिकम्पोजर्स, सेप्रोट्रॉप्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, इनको कहीं कोई जगह ही नहीं मिला है, जबकि उनका इकोसिस्टम में रोल तो ज़बरदस्त होता है, बट दे आर नॉट गिवन एनी प्लेस। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और तीसरी बात यह है बेटा कि ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड एज्यूम करता है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ओनली, सिंगल ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ओनली वन ट्रॉफिक पोजीशन, वन ट्रॉफिक पोजीशन मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म का, सिंगल ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव टू और मोर ट्रॉफिक पोजीशन, एक ऑर्गेनिज्म का दो, एक से अधिक मतलब दो या दो से ज़्यादा ट्रॉफिक पोजीशन नहीं हो सकता, एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ऑक्यूपाई टू और मोर देन टू ट्रॉफिक लेवल, जबकि ऐसा तो नहीं है। जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट है, इंसेक्टिवरस प्लांट का या कार्निवोर का एक से अधिक ट्रॉफिक पोजीशन हो सकता है। जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट है, प्रोड्यूसर है, जाहिर सी बात है T1 ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा, लेकिन उस, ध्यान देना, प्लांट है। अब प्लांट को मान लीजिए कोई इंसेक्ट खा लिया, प्रोड्यूसर है, कोई इंसेक्ट खा लिया, अब उस इंसेक्ट को फिर से हर इंसेक्टिवरस प्लांट ने खा लिया, तो इंसेक्टिवरस प्लांट का ट्रॉफिक लेवल T1 भी हो सकता है, T3 भी हो सकता है, एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल हो सकता है। तो ये बोलता है कि एक एक ही ऑर्गेनिज्म का एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकता, टू और मोर ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकता, जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड ख़त्म हो गया है। अब हम बेटा ध्यान देना, पिरामिड के बाद अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में, ठीक है? न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम साइकिलिंग के बारे में बात करें। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में। तो साइकिलिंग का मतलब क्या है, पहले ये बताइए, समझिए, फिर उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब ये होता है बेटा, जैसे आप ये सोचिए कि ये पूरा लिविंग, मतलब पूरा एटमॉस्फियर है, ठीक है? एटमॉस्फियर में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, एटमॉस्फियर से वो न्यूट्रिएंट, ध्यान देना, लिविंग सिस्टम में आए और लिविंग सिस्टम से फिर से निकल के ये एटमॉस्फियर में पहुंच जाए। तो मतलब लिविंग सिस्टम से एटमॉस्फियर में गया और एटमॉस्फियर से फिर से लिविंग सिस्टम में आ गया, मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में न्यूट्रिएंट का क्या करना, सर्कुलेट करते रहना, इसको बोलते हैं साइकिलिंग करना, ठीक है? तो न्यूट्रिएंट्स नेवर लॉस्ट फ्रॉम बायोस्फीयर, या हम बोले न्यूट्रिएंट्स नेवर लॉस्ट फ्रॉम एटमॉस्फियर ड्यू टू रिसाइकिलिंग। न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग होता रहता है, लिविंग सिस्टम से एटमॉस्फियर में जाता है, इन्वायरमेंट में जाता है, और इन्वायरमेंट या एटमॉस्फियर से फिर से लिविंग सिस्टम में आ जाता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट का ये साइकिलिंग होता रहता है, मतलब कभी लॉस नहीं होता। और बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, जैसे पीएच है, टेम्परेचर है, सॉयल है, सॉयल मॉइस्चर है, ये सब रेगुलेट करता है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है बेटा, कहीं ना कहीं इसमें माइक्रोब इन्वॉल्व होता है, और माइक्रोब का ग्रोथ जो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, ये इसका काम यही है ना, कि ये रेगुलेट करता है कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को, क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और आप देखेंगे बेटा यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल तीन टाइप का है, गैसियस, सेडिमेंट्री और मिक्स्ड। मेनली ये दो होता है, मिक्स्ड मतलब जो जो गैसियस और सेडिमेंट्री दोनों में आता हो, तीसरा तो ऐसे बना दिया गया है, बाकी मेन तो दो ही होता है ये। तो बेसिस है रिजर्वोयर, रिजर्वोयर या स्टोर हाउस, रिजर्वोयर या स्टोर हाउस के बेसिस पे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग तीन टाइप का है। रिजर्वोयर या स्टोर हाउस क्या होता है, ये रिजर्वोयर नॉन लिविंग होता है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट जाके मैक्सिमली स्टोर्ड रहता है ना, न्यूट्रिएंट जाके जहाँ पे स्टोर रहता है उसको हम बोलते हैं रिजर्वोयर, ये नॉन लिविंग होता है। तो रिजर्वोयर का मेन काम क्या होता है, रिजर्वोयर का मेन काम होता है इनफ्लक्स और इफ्लक्स। इफ्लक्स मतलब लॉस होना, इनफ्लक्स मतलब गेन होना। रिजर्वोर का मेन काम होता है इनफ्लक्स और इफ्लक्स।
अगर इनके बीच में इम्बैलेंस हो गया है तो उसको बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है। रिजर्वोर का मेन काम होता है, अगर न्यूट्रिएंट के इनफ्लक्स और रिफ्लक्स इनमें अगर इम्बैलेंस हो गया है तो उसको, उसकी कमी को, डेफिसिट को फुलफिल करना, उसको बैलेंस को मेंटेन करना, ये रिजर्वोर का मेन काम होता है। तो तीन टाइप का रिजर्वोर के बेसिस पर, गैसियस, गैसियस में आप देखिए मेन रिजर्वोर इज एटमॉस्फियर या हाइड्रोस्फियर, मतलब वो न्यूट्रिएंट गैस के फॉर्म में है और वो एटमॉस्फियर में होगा या फिर पानी में होगा, ठीक है, वाटर में होगा, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब कहाँ मौजूद है, एटमॉस्फियर में मौजूद है, या फिर जैसे कार्बन है वो पानी में भी डिजॉल्व रहता है, तो ये रिजर्वोर यहाँ पर एटमॉस्फियर या हाइड्रोस्फियर है। सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें, जो सेडिमेंट्री साइकिल है उसके केस में देखेंगे आप, रिजर्वोर इज अर्थ क्रस्ट या रॉक, रिजर्वोर अर्थ क्रस्ट होगा या फिर रॉक होगा, रॉक मतलब यहाँ पर रॉक होगा, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर होगा या अर्थ क्रस्ट होगा, जैसे फास्फोरस है, कैल्शियम और मैग्नीशियम हो गया ना, अगर इसका साइकिलिंग होता है तो रिजर्वोर अर्थ क्रस्ट होगा या रॉक होगा। और मिक्स्ड, तीसरा है मिक्स्ड, मिक्स्ड में बोथ गैसियस एंड सेडिमेंट्री, मिक्स्ड वाले केस में जो रिजर्वोयर है वो गैसियस और सेडिमेंट्री कुछ भी हो सकता है, गैसियस और सेडिमेंट्री दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल है जैसे सल्फर, सल्फर दोनों में आ जाता है, गैसियस और सेडिमेंट्री दोनों में आ जाता है। अब आपको दो साइकिल पढ़ना है, कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल आप पहले ही पढ़ लिए थे, उसमें मिनरल न्यूट्रिशन में हम बता दिए थे। तो कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल जो होता है, कार्बन कंस्टिट्यूट, जो कार्बन है बेटा आप देखिएगा, कार्बन कंस्टिट्यूट अबाउट 49% ऑफ ड्राई बेड ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इज नेक्स्ट टू द वाटर, मतलब कार्बन से ज़्यादा आपको वाटर मिलेगा, वाटर के बाद नंबर कार्बन का ही आता है बॉडी में। अबाउट 71% ऑफ टोटल कार्बन डिजॉल्व इन द ओशन, जितना भी कार्बन है उसका आप देखिए करीब 71% कार्बन, टोटल कार्बन कितना है 100%, उसका 71% कार्बन आपको समुंदर में डिजॉल्व मिलेगा, कुछ कार्बन आपको बॉडी के अंदर मिल जाएगा, और लगभग सिर्फ 1% या उससे कम कार्बन आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगा, ऑलमोस्ट 1% कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा रिजर्वोयर नहीं है, सबसे बड़ा रिजर्वोयर कार्बन का क्या होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा, समुंदर होगा ना। तो अबाउट 71% ऑफ कार्बन डिजॉल्व इन द ओशन, ओशन इज द बिगेस्ट CO2 सिंक या रिजर्वोयर, सबसे बड़ा रिजर्वोयर यही होता है CO2 का या कार्बन का। ओशियनिक रिजर्वोयर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन होगा, ध्यान देना, एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन होगा ये आपका ओशियनिक रिजर्वोयर ही कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, सबसे बड़ा रिजर्वोयर यही है। 4×10^13 किलोग्राम ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली, मतलब आप देखिए जो प्लांट होते हैं, प्लांट 4×10^13 किलोग्राम इतना कार्बन फिक्स करते हैं एनुअली फिक्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लांट हैं ये इतना किलोग्राम कार्बन फिक्स करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं पर एनम एनुअली। कार्बन जो होता है ये बताइए, हमने साइकिलिंग का मतलब बोला लिविंग सिस्टम से एटमॉस्फेयर में जाना, एटमॉस्फेयर से फिर से लिविंग सिस्टम में आना, तो कैसे जाएगा एटमॉस्फेयर से कार्बन लिविंग सिस्टम में, कैसे आता होगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो एटमॉस्फेयर से CO2 लेगा, और लिविंग सिस्टम से दोबारा एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगा, रेस्पिरेशन के थ्रू, जब ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करेंगे तो कार्बन निकालेंगे वहाँ चला जाएगा ना, ये साइक्लिंग हो गया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू आया, रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज हुआ, वही हमने लिखा है, कार्बन अराइव इन द लिविंग सिस्टम थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन रिलीज अकर्स थ्रू रेस्पिरेशन, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये कार्बन साइकिल हो गया है, अब हम फास्फोरस साइकिल के बारे में बोलते हैं, ठीक है, बाकी कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है कार्बन साइकिल में, अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल ध्यान देना बेटा, कार्बन साइकिल के बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फास्फोरस साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस जो होता है, रिजर्वोयर इज रॉक, फास्फोरस साइकिल के केस में जो रिजर्वोयर होता है वो रॉक होता है, अर्थक्रस्ट होता है। फास्फोरस कंस्टिट्यूट बोन, टीथ, न्यूक्लिक एसिड्स, सेल मेम्ब्रेन एंड कंपोनेंट्स ऑफ ATP। फास्फोरस जो होता है ATP का कंपोनेंट है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें फास्फोरस आ गया ना, ATP होता है, एनर्जी करेंसी होता है, इसका पार्ट है। देयर इज नो
अच्छा देखिए, जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में जो फास्फोरस होता है बेटा, जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 तो निकलता है, कार्बन तो निकलता है, लेकिन फास्फोरस नहीं निकलता। देर इज़ नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फास्फोरस अकर्स। दूसरा, दैट एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस थ्रू रेनफॉल इज मच स्मॉलर देन द कार्बन इनपुट। मतलब बारिश के थ्रू जितना कार्बन नीचे आता है ना, उतना फास्फोरस नहीं आता। फास्फोरस का रेनफॉल के थ्रू जो इनपुट है, नेग्लिजिबल है, वही हमने लिखा है। देर इज़ नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फास्फोरस अकर्स इन टू एटमोसफियर एंड द एटमोसफ्रिक इनपुट ऑफ फास्फोरस थ्रू द रेनफॉल इज मच स्मॉलर देन द कार्बन इनपुट। मतलब एकदम नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। तो फास्फोरस का जो एक्सचेंज होता है ना लिविंग सिस्टम से एटमोसफियर और एटमोसफियर से लिविंग सिस्टम में, वो बहुत ही कम है। जबकि कार्बन का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होता है, फास्फोरस का बहुत ही कम होता है। ये फास्फोरस साइकिल हमने दिखा रखा है, तो आप इसमें देखिएगा, ये फास्फोरस साइकिल है। रॉक मिनरल है, आपको पता है कि रॉक जो होता है, रॉक में फास्फोरस मौजूद है मिनरल्स के फॉर्म में। जब रॉक का ब्रेकडाउन हुआ, वेदरिंग का मतलब रॉक का ब्रेकडाउन होना, तो जब रॉक का ब्रेकडाउन हुआ तो जो फास्फोरस था, रॉक के ब्रेकडाउन से सॉइल बनता है, तो फास्फोरस जो रॉक में मिनरल के फॉर्म में था, वो सॉइल में सॉल्यूशन के फॉर्म में आ गया वेदरिंग से। अब बहुत सारा फास्फोरस होगा जिसका रन ऑफ हो जाएगा। रन ऑफ का मतलब जो बारिश में पानी के साथ में बह जाएगा, ये भी हो सकता है। और ये भी है कि सॉइल में प्लांट ग्रो करता है, तो प्लांट रूट के थ्रू क्या करेगा, फास्फोरस को अपटेक कर लेगा, और वो जाइलम के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, प्लांट के अंदर पहुँच जाएगा, प्रोड्यूसर में पहुँच जाएगा। ठीक है, अपटेक के थ्रू ये प्रोड्यूसर में पहुँच गया और लीफ में पहुँच गया, और प्लांट को कंज्यूमर ने खा लिया, कोई हर्बीवोर ने खा लिया, या फिर प्लांट खुद डाई कर गया, प्लांट सेनेसेंस हो गया, मर गया प्लांट। तो इसका लीटर कोई गिरा, प्लांट का कोई पार्ट गिरा, लीफ गिरा, कुछ भी गिरा, लीटर गिरा। तो या फिर प्लांट को कोई एनिमल ने खा लिया, कंज्यूमर ने खा लिया, एनिमल का डेथ हुआ तो वो डिट्राइटस बन गया, या लीटर गिरा वो डिकम्पोज हो गया, डिट्राइटस हो गया। तो ये जो लीटर या डिट्राइटस है, इसका जब डिकम्पोजिशन होता है, तो फिर से इसमें जो मतलब लीटर में या डिट्राइटस में कंज्यूमर के या प्लांट के जो फास्फोरस रहा होगा, वो फिर से सॉइल में आ जाएगा। तो सॉइल से निकला, घूम घुमा के फिर से सॉइल में आ गया ना। तो ये फास्फोरस साइकिल हमने आपको दिखा दिया है, इसको आप बना सकते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, ये इकोसिस्टम सर्विसेज हम आपको बता देते हैं, फिर इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, तो सक्सेशन भी हम आपको बता देते हैं। तो फास्फोरस साइकिल आप बना लो, इकोसिस्टम सर्विसेज एक बार बताइए, इकोसिस्टम से क्या क्या फ़ायदा है, A to Z इकोसिस्टम से क्या फ़ायदा है, क्या प्रॉफिट है, इसका कीमत लगाया गया, इसको एक प्राइस टैग दिया गया, कीमत लगाया गया, तो वही इकोसिस्टम सर्विसेज है। इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है भाई, नेचर का। तो इकोसिस्टम में बहुत सारे फंक्शंस हैं, सबका एक कीमत लगाया गया। तो देखिए अब जरा, दीज आर द प्रोडक्ट्स, इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस। लाइक एग्जांपल है हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, प्यूरीफाई एयर एंड वाटर। फॉरेस्ट इकोसिस्टम एयर और वाटर को प्यूरीफाई करता है। मिटिगेट ड्रॉट, ड्रॉट को, सूखे को कंट्रोल करता है। एंड फ्लड कॉमा साइकिल, न्यूट्रेंट का साइकिलिंग करता है इकोसिस्टम। जनरेट फर्टाइल सॉइल, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड मेंटेन बायोडायवर्सिटी। जो इकोसिस्टम है, बहुत सारा काम है, सबका रोल देखिए बता रहे हैं। ये ड्रॉट और फ्लड को कंट्रोल करता है, एयर को और वाटर को प्योरीफाई करता है, और आप देखिए वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करता है, और ये बायोडायवर्सिटी मेंटेन किए रहता है, पॉलिनेशन होता है यहाँ पे इकोसिस्टम में। एस्थेटिक प्लेजर है, मतलब देखने में कितना सुंदर लगता है पेड़ पौधा एनिमल्स। कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू होता है, ये सब इकोसिस्टम सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है इकोसिस्टम के। तो एक रिसर्चर थे रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड उनके बहुत सारे कलीग्स जो थे, उनके कोवर्कर्स जो थे, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एट ऑल पुट ए प्राइस टैग ऑफ US $33 trillion per annum
और नेचर्स लाइफ सपोर्टिंग इकोसिस्टम सर्विसेज, ध्यान देना, उन्होंने बताया विच इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ग्लोबल जीएनपी, जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, विच इज़ यूएस $18 trillion। तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने क्या किया कि ये जो नेचर का लाइफ सपोर्टिंग इको सिस्टम सर्विसेस है सब का क्या किया, इन्होंने कीमत लगा दी, और कीमत कितना लगाया पता है, यूएस $33 trillion, मतलब पर एनम, मतलब एक साल में नेचर जितना हमको देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर सबका कीमत लगा दें तो सबका कीमत पर एनम हो जाएगा यूएस $33 trillion, विच इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस अमाउंट ऑफ जीएनपी। जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल ग्लोबल नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी ग्लोबल जीएनपी, जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका मतलब यह है कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल ग्लोबल जीएनपी ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं सबका अगर कीमत हम देख लें तो लगभग $18 trillion होता है पर एनम, लेकिन उसका लगभग डबल, 18 का डबल होता है 36, तो ये 33 है, लगभग ऑलमोस्ट ट्वाइस अमाउंट है नेचर का इकोसिस्टम सर्विसेज का, मतलब नेचर के इकोसिस्टम सर्विसेज का वैल्यू मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है एक साल में जितने बढ़ रहे हैं उसका ऑलमोस्ट डबल है, याद रखना। तो इन्होंने क्या किया, सॉयल फॉर्मेशन को लगभग 33 का 50% दाम उसी को लगाया, टैग लगाया, 50% टैग उसी का दिया, मतलब 33 है तो आप देखिए $16.5 trillion सॉयल फॉर्मेशन को लगा दिया। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को लेस देन 10% दे दिया, दाम लगा दिया। क्लाइमेट रेगुलेशन है और हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, इसको लगभग 6% दोनों को दे दिया रेट, मतलब किसका कितना दाम लगाना चाहिए ना, इतना दाम लगा दिया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस चैप्टर में वही इकोसिस्टम, मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन है, वो हम अगले क्लास में करा देंगे। तो आज का चैप्टर बच्चों यही हम ख़त्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा।